बिसमिल्मर अस्सलाम वालेकुम जी कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे फिट फिटफाट होंगे अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से इन्जॉय कर रहे होंगे तो जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ तो जी मेरे एक्साइटमेंट लेवल तो बहुत ही हाई है क्योंकि मुझे कल ही आ, मेरी पिन रिसीव हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत जल्दी रिसीव हो गई है जिसकी जिसकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर भी की थी तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और आप लोगों का अगेन थैंक यू अच्छा जी आज जो मेरी वीडियो है वो है मैं चिकन बनाने जा रही हूँ थोड़ा सा ग्रेवी वाला चिकन बनाएंगे मतलब जैसे हम शोरबे वाला चिकन बनाते हैं लेकिन बहुत ज्यादा शोरबा नहीं नॉर्मल सी ग्रेवी वाला चिकन बनाएंगे उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ थ्री के जी चिकन है उसके बाद मैंने हाफ के जी टोस कट कर लिए और हाफ के जी ही मैंने अनियंस कट कर लिए पहले आपको मैं स्पाइसिस बता देती हूँ नमक है मेरे पास वन टेबल स्पून टू टेबल स्पून रेड चिली पाउडर है मेरे पास और वन टी स्पून जो है वन एंड हाफ टी स्पून मेरे पास हल्दी का पाउडर है कुटा भुना जीरा और खुश्क धनिया है मेरे पास वन टेबल स्पून उसके बाद है जी मेरे पास ब्लैक पेपर है वो है वन टीस्पून और गरम मसाला है वन टीस्पून और उसके बाद ये जो पैकेट में मेरे पास मसाला है ये बहुत थोड़ा सा यानी कि वन टेबल स्पून के करीब है ये पैकेट वाला मसाला कौरमा मसाला वो मैंने लिया है सिर्फ खुशबू के लिए अगर ये ना भी हो तो इट्स ओके okay, आप लोग ये स्पाइसिस ऐड कर लें बहुत मज़े का सालन बन जाता है चिकन का उसके बाद ये थोड़े से खड़े मसाले लेंगे हम लोग एक टुकड़ा दालचीनी का है और Uh, दो से तीन uh, बड़ी इलायची हैं और उसके बाद जी uh, पाँच से छः uh, लौंग हैं और उसी में काली मिर्चें हैं तीन चार बस मिक्स आपने खड़ा मसाला ले लेना थोड़ा सा उसके बाद ये है वन कप मेरे पास घी है घी में मैं बनाऊंगी ऑयल में इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता जितना घी में आता है तो आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं घी में भी बना सकते हैं ठीक है जी मैंने दो बर्तन ले लिए एक मेरे पास कढ़ाई है और एक मेरे पास पतीली है और अब मैं क्या करूँगी जी मैंने कढ़ाई में डाल दिया अपना घी एक कप मैंने इसमें ऐड किया है इसमें घी थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा लेकिन एक कप मैंने इसमें ऐड कर लिया है वो आ, और हाफ कप ये मेरे पास है दूसरी साइड पर यह मैं दूसरी साइड पर मैंने डाल दिया ठीक है टोटल इसमें डेढ़ कप जो घी है वो जाएगा थ्री के जी चिकन है उसके हिसाब से घी बहुत मुनासिब है बहुत ही ज़्यादा मुनासिब है बहुत ज़्यादा नहीं है अब आपने क्या करना है कढ़ाई वाले घी में मैंने खड़े मसाले ऐड कर दिए थे जब वो कड़कराने कर लग जाएंगे उसके बाद मैंने इसमें अपना सारा चिकन जो है वो ऐड कर दिया अब आपने इसको फ्राई कर लेना अच्छी तरह जब तक इसका कलर नहीं चेंज होता तब तक आपने फ्राई कर लेना और दूसरी साइड पर जी मेरा जो घी है वो काफ़ी गर्म हो गया था और जो मैंने अनियंस कट किए हुए थे वो मैंने इसमें ऐड कर देने हैं ठीक है Uh, अब अपने इनको थोड़ा सा फ़्राई कर लेना है ताकि इनका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए आपने ये सेपरेट इसलिए मैं पका रही हूँ आप उसी वाले घी में भी बना सकते हैं लेकिन सेपरेट इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी सी जल्दी थी और मैं दो जगह इसकी ग्रेवी हमेशा बनाती हूँ तो इस तरह बहुत ही मज़े का बन जाता है ये देखिए अब इसका कलर चिकन का चेंज हो गया है जब कलर चेंज हो जाए थोड़ा सा फ्राई हो जाए तब आपने इसमें ऐड कर देना है सॉल्ट ताकि जो चिकन में है वो सॉल्ट अच्छी तरह चला जाए तकरीबन जो ये टू टेबल स्पून के क्रीम मेरे पास सॉल्ट था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया और अच्छी तरह अब हम इसको फ्राई कर लेंगे फ्राई जो इसको आपने करना है वो हाई फ्लेम पे करना है साथ में जी अब थोड़ी देर बाद तकरीबन दो से तीन मिनट फ्राई किया उसके बाद मैंने इसमें हल्दी ऐड कर दिया है और हल्दी के साथ भी अब इसको फ्राई कर लेंगे हम लोग चिकन को अब जितना अच्छा फ्राई करेंगे ये एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो मॉइस्चर है वो अंदर लॉक हो जाता है इसमें और ये बहुत ही ज़्यादा जूसी बनता है सेकेंडली ये है कि जी ये बिल्कुल टूटेगा नहीं जब आप इसको अगर आप इसको पानी में भी पकाएंगे मतलब शोरबे में पकाएंगे तो ये चिकन टूटेगा नहीं बहुत से लोगों का चिकन टूट जाता है उसका ये मसला होता है कि वो बहुत अच्छे से फ्राई नहीं हुआ था उसका जो मॉइस्चर होता है चिकन का वो लॉक नहीं हुआ होता जिसकी वजह से जो है चिकन बहुत ज़्यादा पानी निक... छोड़ता है तो वो टूटना शुरू हो जाता है आपने इसको बहुत अच्छी तरह फ्राई कर लेना है ताकि ये इसमें मॉइस्चर इसका जो है चिकन का लॉक हो जाए जिसकी वजह से चिकन बहुत ही ज़्यादा जूसी बन अच्छा यहाँ पर मैंने जो मेरी रेड चिली थी वो भी ऐड कर दिया लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया और इसमें मैंने ये जो मेरे पास पैकेट वाला मसाला था वन टेबल स्पून वो भी ऐड कर दिया और इसके साथ में इसको अगेन फ्राई कर लूंगी बहुत अच्छी तरह से भून लूंगी इसको चिकन को अभी तक मैंने इसमें कोई पानी वगैरह कोई चीज़ नहीं ऐड की इसका जो मॉइस्चर है वो वही उसी में मैं इसको पका रही हूँ उसी में आपने इसको कुक करना है यहाँ पर मेरी ल, आ, लाइट हम लोगों की ऑफ हुई हुई थी बहुत ज़्यादा लाइट जा रही है बहुत ज़्यादा एक तो बिजली इतनी महंगी हो गई है और लाइट भी इतनी ज़्यादा जाती है तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा मैं आ, मतलब वीडियो बना रही थी मैं थोड़ा वेट भी कर सकती थी लाइट के लिए लेकिन मुझे ये खाना एक्चुअली हम आ, हमारे शॉप्स बन रही हैं वहाँ पर हमने मिस्त्रियों को लेबर को खाना खिलाना था तो उनके लिए मैं ये चिकन बना रही थी तो मुझे थोड़ी सी जल्दी थी इसलिए मैं मैंने वेट नहीं किया और मैंने सालन बनाना शुरू कर दिया ताकि वो लोग वेट कर रहे थे वो ज्यादा वेट ना करें अच्छा जी दूसरी साइड पे जब मेरा जो अनियन है उनका कलर ट्रांसलूसेंट सा हो गया है तब आपने इसमें टमाटोज ऐड कर देने हैं और अब आपने टमाटर और प्याज को अच्छी तरह से पका लेना है मीन वाइज हमारा चिकन है वो देखें कितनी अच्छी तरह भून गया है जब टमाटर आपके थोड़े से सॉफ्ट हो जाए आपने इस पेस्ट को कर लेना है ग्राइंड ठीक है जी पानी नहीं इसमें ऐड करना इसी तरह आपने इसको ग्राइंड करना उसके बाद अब आपने इसको मसाले के साथ अच्छी तरह भून लेना है बहुत अच्छी तरह भून लेना है ये दानेदार इसकी ग्रेवी तैयार हो जाएगी अच्छा जी यहाँ पे अभी आपका जो चिकन है वो फुली कुक्ड नहीं है चिकन को कुक करने के लिए हमें इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर जी मेरे पास दही है तकरीबन तो छः से आठ चम्मच दही है इसको आपने अच्छी तरह फेंट के वो आपने इसमें ऐड कर देना है ठीक है जो इसका मसाला या शोरबा हल्का हल्का आप रखेंगे वो इतना मज़े का होता है बहुत ही ज़्यादा कि आप चिकन से ज़्यादा इसका स्पाइ जो शोरबा है और मसाला है आप उसको पसंद करेंगे इसको आपने अच्छी तरह आ, मिक्स करके आपने इसको कवर कर देना है आज देखें जिस जग में मैंने ग्राइंड किया था प्याज़ और टमाटर को उसी जग में मैंने थोड़ा सा पानी डाल के वो मैंने अब इसमें डाल लिया बस इतना इसमें पानी जाएगा अब हम इसको कवर करके अच्छी तरह इसको पका लेंगे अभी हमारे स्पाइसीज थोड़े से रहते हैं जब ये बॉयल बॉइलिंग पॉइंट पर आ जाए तब आपने इसमें काली मिर्च और जो खड़ा जो सॉरी गर्म मसाला है हमारा पिसा हुआ वो आपने ऐड कर देना है ग्रीन चिलीज़ हमारी रह गई है वो आपने इस पॉइंट पर ऐड कर देनी है इसमें और आपने इसको कवर कर देना है ताकि चिकन अच्छी तरह कुक हो जाए और जो इसका ऑयल है वो सेपरेट हो जाए ठीक है जी अब इसको मैं थोड़ा सा आ, मिक्स करके तो इसे मैं कवर करके रख दूंगी आ, तकरीबन ये इसके आपने यहाँ आठ से दस मिनट के लिए इसको कवर रहने देना आपने इसका कवर नहीं खोलना ताकि ये बहुत अच्छे से कुक हो जाए दे, ये देखें यहाँ पर ये इस पॉइंट पे आ गया है कि इसका जो ग्रेवी है बहुत थिक हो चुकी हुई है और चिकन भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका हुआ था आप इसको तोड़ के देख लीजिएगा जब आपका चिकन बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए तब मैंने इसमें ऐड कर दिया जी धनिया सबस धनिया ऐड कर दिया अब आपने जो फ्लेम है बिल्कुल स्लो कर देना और आप इसका कवर दे देना ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए अच्छा जी लास्ट में आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा अपना ढेरों ढेर ख्याल रखेगा अल्लाह